हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूँ। और अपने श्रोताओं को बता दूँ कि हमारे साथ इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं काशी के विख्यात तबला वादक, तबले के जादूगर, सिद्धहस्त कलाकार श्री नंद किशोर मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका मिश्र जी। भैया नमस्कार पांडुरंग लॉकडाउन का पीरियड है और जी। चूंकि आप आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हैं, जी, तो लॉकडाउन में क्या गतिविधि रही आपकी, संगीत साधना आपकी किस तरह चलती थी? लॉकडाउन में इस समय तो देखिए देश पूरा दुनिया जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है एक तरीके से, है। जी लेकिन हम लोग का तो आकाशवाणी हमेशा खुला था, हम लोग जाते भी रहे, तो जी जी उसमें हमने तो अपना रूटीन बना लिया था कि आकाशवाणी जाते हैं जी तो जा करके वहाँ पे, चूंकि इस समय हर तरफ जाइए, जहाँ जाइए वहाँ कोरोना, कोई भी चर्चा, कोई भी न्यूज़, कोई भी पेपर उठाइए जी केवल कोरोना के बारे में है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे में आदमी के दिमाग पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा जी। है। तो इस समय हम तो ऑफिस जाते हैं तो अपना 1 घंटे इधर उधर किए, बातचीत किए मिले जुले लोगों से, उसके बाद स्टूडियो में जाते हैं, बैठ के अपना संगीत अपना 2 घंटे रियाज करते हैं। क्या हमारा बात डेली का है, रूटीन है ये, क्या क्योंकि बात है, क्या बात है। ये हमको ये साधन मिला कि जी संगीत जो है, ये जो लोगों को मानसिक असर पड़ रहा है, इस पे बहुत बड़ा संगीत का जो है असर पड़ेगा पॉजिटिव रूप बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल जो जो तनाव उत्पन्न कर रहा है, जैसा कि आपने कहा कि हर तरफ कोरोना है और कोरोना के चलते कहीं ना कहीं दिमाग में उथल पुथल मची हुई है कि क्या होगा, क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो एक जो उथल पुथल है, जो उधेड़ बुन लगातार बनी हुई है भविष्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो तनाव उत्पन्न हो ही रहा है। सुकून जैसे चला गया है, शांति नहीं है। तो आप अपने शांति के लिए संगीत, तबले का रियाज करते हैं रोज, आपने जैसा कहा कि साधना करते हैं, उससे आपको शांति का अनुभव होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। तो जो और श्रोता हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुनते रहते हैं, तो आप उनको किस तरह बताएंगे कि संगीत किस तरह से सुखद अनुभूति देता है? देखिए सबसे पहले तो ये हम बताएंगे कि संगीत एक विषय, संगीत का मतलब हो गया कि वो केवल शास्त्रीय संगीत नहीं है, संगीत का मतलब है शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, फिल्म संगीत, हर जी तरीके का जो भी स्वरों से जो स्वरबद्ध लोक है संगीत हाँ लोक संगीत सभी विधाओं में। जी 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 तो और हर आदमी को संगीत किसी न किसी रूप में जी जरूर वो हृदय में रहता है, वो पसंद करता है, कोई फिल्म संगीत पसंद करता है, कोई लोक संगीत पसंद करता है, कोई जी शास्त्रीय संगीत, है ना। हाँ, कोई तो पाश्चात्य संगीत का दीवाना है। जी बिल्कुल, तो ये जो है पहली बात तो ये समझ ले कि ये नाद ब्रह्म जी है जी ये ब्रह्म डायरेक्ट है, हम लोग जो बोल रहे हैं साउंड निकल रहा है, इसको हम स्वरबद्ध कर देते हैं तो वो 7 स्वरों में हो जाता जी है। तो ये चीजें लोगों को चाहिए कि वो जो है इस समय, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, जी जी उसमें आप ये खाइए ये खाइए ये चीज खाइए, फायदेमंद है, आप जो है काढ़ा पीजिए, ये सब बहुत अच्छी बात है, जी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। जी जी लेकिन संगीत से कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा इस बारे में है कि इसको ये संगीत भी आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बिल्कुल है। तो उसको आप ध्यान से जो है, जो भी अगर भजन लगा लिए आप तो उसको ध्यान से कंसंट्रेट करिए और सुनिए। जैसे जी हम लोग जब रियाज करने बैठे बैठते हैं तो उतने देर 2 घंटे अगर रियाज कर रहे हैं तो उस समय हमें कोई भी याद नहीं रहता कि कोरोना है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, कुछ नहीं मुझे याद रहता है, सिर्फ मेरा जो है तबला याद रहता है। वो 2 घंटे 10 मिनट बाद हम उसमें खो जाते हैं तो केवल मुझे तबले का जो तिहाई टुकड़ा स्वर जी बस यही याद रहता है। जी 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 तो 2 घंटे के लिए हमारे माइंड को, माइंड की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, जी जी हमको रिलैक्सेशन महसूस होता है, हमारे दिमाग को एनर्जी मिल जाता है पूरा। जी 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 तो इस तरीके से संगीत को लोग जो है दिन भर सुने, दिन भर न्यूज़ देखें कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो है 1 घंटे जितना भी आपको समय मिलता है थोड़ी देर ध्यान लगा करके, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं उस तरीके से ध्यान लगा करके बैठ करके कंसंट्रेट होके उस भजन को,
जो आपको पसंद है उस संगीत को ध्यान से सुनिए, जी आपका इम्यूनिटी पावर 100% बढ़ेगी और बिल्कुल आपको सुकून महसूस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी जी बात आपने कही कि संगीत कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप शास्त्रीय संगीत ही सुनें, क्योंकि जी बहुत से लोगों को कहा जाता है ना कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, तो जो आपको पसंद है वो आप जी संगीत सुनिए, उससे जुड़िए। दिन भर में अगर थोड़ा सा समय आप संगीत के लिए, एकाग्र होने के लिए, ध्यान रत होने के लिए लगाते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, तो वो जी एक आपको अपूर्व शांति प्रदान करेगा और इस तनाव से मुक्त करेगा। आपको हर तरह के रोगों से आपको छुटकारा मिलेगी। बहुत सारे रोग, एक ही कोरोना नहीं, बहुत सारे रोगों से आपको छुटकारा मिलेगी अगर संगीत में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। जी थोड़ी देर, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे इसको ऐसे करते रहिए डेली, जैसे योगा करते हैं, इस जी टाइप से ये योग है संगीत। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बड़ा हेडेक था, बहुत सर्द में दर्द था, लेकिन थोड़ी देर हमने संगीत सुन लिया, थोड़ी देर हमने, तो वो जो हमारा हमारी जो पीड़ा थी, सर दर्द था, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया हमको, उससे उससे हमको निजात मिल गई, बहुत अच्छा लगा। तो ये है संगीत में शक्ति। जी जी बिल्कुल। और ये केवल आपको अपने जागृत करने की जरूरत है, शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर संगीत है ऑलरेडी, पहले से ईश्वर ने दिया है जी आपको, जी जी उसको जागृत करना है जी केवल, आपको ध्यान आपको लगाना है। क्योंकि अगर आपके शरीर में साउंड है, आप बोल रहे हैं, जी है तो अच्छा बोलिए हमेशा, अच्छा सोचिए हमेशा, जी जो भी मुंह से राम निकालिए, किसी को गाली देने के बजाय कि आप जो है राम कृष्ण और महादेव ये शब्द निकालिए, जी है जी तो जी साउंड है ना, आपका नब्ज चल रहा है तो देखिए उसमें एक गति है ना, जी एक जी साउंड है, बिल्कुल तो उस बिल्कुल साउंड है, बस उसको आपको स्वरबद्ध करना है, उसको ध्यान लगाना है, जी आपको संगीत को सुनना है कानों से, और वो आपको माइंड को, हर नसों को, आपके हार्ट को सुकून देगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और जहां तक बचाव की बात है, आप जो जनरली आपको बचाव करना है वो करते रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, तो वो जो नीली छतरी वाले हैं उनको आप जी किसी भी नाम से याद कर सकते हैं, जिस तरीके से आप उनको याद करना चाहते हैं, जिस नाम से पुकारना चाहते हैं, बस वो एक ध्यान से एकाग्र होकर उसको याद कीजिए, पुकारिए, उसके ध्यान में निरत होइए, देखिए कितनी शांति मिलती है आपको, और बिल्कुल संगीत जो है, जो नाद है, जो नाद ब्रह्म है, वो आपको अपूर्व सुकून देगा। चलते चलते नंदकिशोर जी, हम आपसे ज़रूर निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ बोल आपके तबले के ज़रूर बस छोटे से हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचे। देखिए, बनारस घराने का वैसे एक तो छोटा सा प्रण याद है आपको, वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक तो प्रण है आपको सुना दे रहे हैं। जी 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 झट झट धागे तटे क्रधा तटे धागे तटे क्रधा तटे क्रधा तटे क्रधा तटे धागे तटे कतट कतट धागे न धागे तिन्ना तटे कतट धागे न धा कृतता कृतता कृतत विधिना अर्धा कृतता कृतता कृतत विधिना अर्धा कृतता कृतता कृतत विधिना अर्धा गेंदा गेंदा कृतता कृतता कृतत विधिना अर्धा कृतता कृतता कृतत विधिना अर्धा कृतता कृतता कृतत विधिना अर्धा धा गेंदा कृतता कृतता कृतना धा कृतता कृतता कृतना धा कृतता कृतता कृतना धा गेंदा गेंदा। ये क्या जो है जी बनारस का है, परन है छोटा सा, जी 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 आपको ये देखिए, तबले में भी एक साउंड होता है, अभी हमने मुंह से पढ़न किया जी है, जी बजाते जी हैं तो इसमें भी हर बोलों का अलग अलग स्वरूप होता है और निकास होता है, तो एक साउंड इसमें भी होता हाँ है जी 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 तो जी ये संगीत, ये भी है बिल्कुल बिल्कुल, लय संगीत। आपके आपके मुखारविंद से जब इतना अच्छा लगा, तबले से जब निकलेगा तब क्या सुकून देगा, क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ थे काशी के एक मूर्धन्य तबले के सिद्धहस्त कलाकार श्री नंद किशोर मिश्र जी, बहुत आभार व्यक्त करते हैं विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, आपने समय दिया हमारे श्रोताओं को, इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। Thank you.